बद्रीनाथ नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड के बाद एक बार फिर से बाधित हो गया है। जोशीमठ सेलंग के बीच एक बार फिर भारी भूस्खलन हुआ है। मार्ग के दोनों ओर बद्रीनाथ और हेमकुंड के यात्री फंसे हुए हैं। चमोली में आफत की बारिश जारी है। जोशीमठ और सेलंग के बीच भूस्खलन के चलते ये मार्ग एक बार फिर अवरुद्ध हो गया है। पहाड़ी से भारी भूस्खलन होने के साथ बड़े बड़े पेड़ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर टूट कर आ गए हैं, जिस वजह से ये मार्ग बंद हो गया है। मार्ग के दोनों ओर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री और वापस लौटने वाले यात्री फंसे हुए हैं। स्थानीय लोग भी मार्ग पर फंसे हुए हैं। हालांकि इस वक्त मार्ग से पत्थर और पेड़ हटाने का काम शुरू किया जा रहा है। पेड़ों को किस कदर काटा जा रहा है आप तस्वीरों में देखेंगे। अभी मार्ग खोलने में वक्त लग सकता है। भले ही मौसम सुहाना हो गया हो, लेकिन शाम होते ही मौसम बद्रीनाथ यात्रा के लिए अनुकूल नहीं रहता। लगातार नेशनल हाईवे पर भूस्खलन जारी है। वहीं यात्री भी इस वक्त बद्रीनाथ यात्रा से लौट रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना है सुनिए। हम कर्नाटक से बीदर डिस्ट्रिक्ट औरा तालुका इनगुंडा ग्राम से, हम 3 दिन से ऋषिकेश में बैठे, रोड जाम हो गए और इधर भी आए, इधर आए तो बद्रीनाथ दर्शन हो गए परवा नहीं, लेकिन उधर जाने को रास्ता बंद हो गया। अब 3 घंटे से बैठे, सरकार कर रहे है काम, बहुत अच्छा काम कर रहे है, सरकार को धन्यवाद करते हैं हम। बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बद्रीनाथ में बारिश जारी है। वहीं शनिवार को मौसम सुहाना हुआ, लेकिन मौसम सुहाना होते ही जोशीमठ और सेलंग के बीच भारी भूस्खलन हो गया। बद्रीनाथ मार्ग बंद होने से कई यात्री फंस गए। बारिश थमने के बाद पहाड़ों में भूस्खलन जारी है। वहीं मौके पर पहुंचे बीआरओ अधिकारी ने क्या कुछ कहा सुनिए। 1 घंटा लग जाएगा, अभी इसमें दोनों तरफ से जेसीबी लगा दिया जा रहा है और अभी 1 घंटा के अंदर खुल जाएगा। कितने लोग फंसे होंगे, क्या क्या मशीनें लगाई गई हैं अभी? अभी एक साइड से हमारे पास जेसीबी 2-3 है, लेकिन एक ही साइड में जो है दूसरे साइड से मंगाया हूँ, ये कभी आ रहा, बस 1 घंटे के अंदर खुल जाएगा, जितने पब्लिक है सुचारू हो जाएगी यात्रा। मानसून के सीजन में भी बद्रीनाथ यात्रा जारी है। तस्वीरों में नजर आ रही गाड़ियां और भक्तों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त भी बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले भक्तों की संख्या किस कदर बढ़ी हुई है। हालांकि मार्ग कई बार बंद हो जा रहा है, लेकिन यात्रियों की आस्था पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी से जानेंगे हाईवे के ताजा हालात। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर जोशीमठ और सेलंग के बीच में बंद हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरी पहाड़ी एक बार फिर से भर भर आकर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर आ चुकी है और मार्ग के दोनों ओर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले जो तीर्थयात्री हैं वो उस तरफ फंसे हुए हैं और इस तरफ से जो लौटने वाले यात्री हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो अपने घरों को इस समय शाम के समय जा रहे थे, वो इस तरफ फंसे हैं। गाड़ियों की लंबी कतार अब दोनों तरफ देखने को मिल रही है। सुबह से जो बारिश हो रही थी उसके बाद लगातार हर तरफ सिर्फ भूस्खलन की तस्वीरें आ रही हैं और ऐसे में एक बार फिर से जोशीमठ के समीप ये सेलंग और जोशीमठ के बीच में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, जिसके बाद एक बार फिर से आवाजाही बाधित हो गई है। हालांकि इस समय मौसम ठीक है, लेकिन भूस्खलन अभी कुछ देर पहले हुआ, जिसके बाद आवाजाही पूरी ठप हो चुकी है। इस तरफ बद्रीनाथ से वापस लौटने वाले यात्री हैं, उस तरफ हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम जाने वाले जो यात्री हैं वो फंसे हुए हैं। बड़ी भीड़ दोनों ओर लगी हुई है, अभी कुछ ही देर हुई है, इतने में ही यहाँ पे इतनी भीड़ लग गई है। अगर ये मार्ग कुछ देर तक नहीं खोला जाता है तो यहाँ पे और भी अधिक भीड़ फंसने की उम्मीद है। कमल एन सिलोड़ी, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, जोशीमठ।